सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे वीणावारिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्ये पंकजलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च नमस्करोमि। सुप्रभातम् विद्यार्थियों, हमारी संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य के निष्पादन के लिए हमारी सनातन संस्कृति में मंगलाचरण या हरि स्मरण का विधान किया गया है। आपकी पाठ्यपुस्तक आसनी में माता सरस्वती से जो विद्या की अधिष्ठात्री हैं, विद्या की देवी हैं, उनसे पाठक ने विद्या रूपी वरदान मांगा है, उसकी याचना की है। बच्चों, मंगलाचरण को पूरे मन से याद करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले याद करने से पूर्व आपके लिए मंगलाचरण का शुद्ध वाचन आना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले सरस्वती वंदना का वाचन प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और उसका जो पहला पाठ है सरस्वती वंदना, उसको उसके ऊपर प्रत्येक शब्द के ऊपर आप अपनी उंगली रखते जाइए और मन से या जोर से आप बोलते जाइए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे वीणावादिनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्ये पंकजलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यः एव च। बच्चों, जो वंदना का प्रथम श्लोक है उसका भावार्थ इस प्रकार है। हे माँ सरस्वती, वरदान देने वाली, वीणा बजाने वाली, विश्व रूप में स्थित विशाल नेत्रों वाली, हे महासरस्वती, हे जगदम्बिका, आपको नमस्कार है। आप मुझे विद्या देने की कृपा करें। फिर उसके नीचे वाला जो श्लोक है
सरस्वती महाभागे, हे सरस्वती महाभागा, आप के नेत्र कमल के समान हैं, विद्या के रूप में स्थित हैं, विशाल नेत्रों वाली हैं, इसलिए मैं आपसे पुनः विनम्र याचना करता हूँ कि आप मुझे विद्या देने की कृपा करें। विद्या के जितने भी स्थान हैं उन सभी स्थानों में, चाहे वो वेद हों, वेदांग हों, उपनिषद हों, पुराण हों, दर्शन शास्त्र हों, जिस जिस विद्या का हम अध्ययन करते हैं उन स्थानों में आप सदा विद्यमान रहती हैं। हे सरस्वती, हे भद्रकाली, आपको बार बार नमस्कार है, आप मुझे विद्या का वरदान देने की कृपा करें। बच्चों, इस तरह से आपकी इस सरस्वती वंदना का ये भावार्थ होगा। तो आप जब भी इस वंदना को याद करें तो कम से कम यदि आप ज़्यादा भावार्थ ना ला सकें तो इतना प्रयास जरूर करिए कि हे माँ, मुझे विद्या रूपी वरदान देने की कृपा करें। धन्यवाद।